नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा YouTube चैनल टिप जोन में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप जाते हो बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा जमा करने के लिए यानी कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो उसका जो जमा पर्ची दिया जाता है उसे कैसे भरते हैं। दोस्तों लगभग सभी बैंक का जमा पर्ची भरने का तरीका एक ही है, सिर्फ लिखने का जगह अलग अलग होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो सभी बैंक का जमा पर्ची आप फिलअप कर पाओगे। और दोस्तों आज हम वो भी सीखने वाले हैं कि क्या क्या गलती हमको नहीं करना है, क्या क्या सावधानी बरतना है ताकि हमारे साथ कोई गलती ना हो जाए पैसा जमा करने में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस पर्ची को समझते हैं। दोस्तों इसका दो पार्ट होता है, एक ये है एक वो है दूसरा है। ये जो पार्ट है ये बैंक आपको स्टम्प मार के दे देगा और ये जो पार्ट है इसमें स्टम्प मार के जो कर्मचारी है इसमें स्टम्प मार के वो खुद रख लेगा। दोस्तों इसका दो भाग मतलब होता है, दो लैंग्वेज में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो इस साइड में दो होता है ना, तो हिंदी मीडियम में होता है। तो हम दोस्तों इंग्लिश में फिलअप करके देखते हैं। पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांच का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको वही बैंक का जगह का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आप गए हो पैसा जमा करने के लिए। बाद में यहाँ पे आपको डेट लिखना है, वही डेट आपको लिखना है जिस डेट में आप पैसा जमा करने गए हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है खुद का। दोस्तों अकाउंट नंबर लिखने के टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, बार बार आप इसी को देखते रहो लेकिन गलती मत करो। इसको एक भी संख्या दूसरा हो जाएगा तो दूसरा खाता में चला जाएगा आपका पैसा, बाद में वापस नहीं कर पाओगे चाहे जितना भी पैसा की हो। तो दोस्तों बाद में आपको यहाँ पे खुद का नाम लिख देना है, यहाँ पे बाद में नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर नहीं लिखोगे तब भी चलता है। उसके बाद दोस्तों आपको अमाउंट यहाँ पे लिखना है, कितना पैसा आप जमा कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है नंबर में। दोस्तों ध्यान रहे ये जो आप लिख रहे हो बॉक्स का ना इस साइड में से आप पैसा लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आप इधर से लिखोगे ना, इधर से लिखना स्टार्ट करोगे तो आगे पीछे कोई कुछ पैसा लगा के इसके साथ छेड़खानी कर सकता है। और पैसा लिखने के बाद इधर ये वाला जो साइन है ना आप इसको लगा दो ताकि इसके पीछे कोई छेड़खानी ना कर पाए, यानी दूसरा कुछ लगा के मतलब इस तरह का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑर्स में भी लिखना है कितना पैसा, तो मेरा 5000 है मैं लिख दिया 5000। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग बहुत गलती करता है कि मानो जैसे कि 1800 रुपया कोई डिपॉजिट कर रहा है तो यहाँ पे कैसे लिखता है 1800 ऐसे करके लिखता है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करके लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्या करना है 1800 ऐसा करके लिख देना है, तभी आपको कोई मुसीबत नहीं आएगा। तो दोस्तों उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ये आपको ऑप्शन कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप चेक बुक से अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तभी आपको इसको भरना है, लेकिन हम तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैसा का विवरण दे देना है थोड़ा सा कि 5000 पैसा कितना है, 00 रुपीज़ 5000, तो टोटल ऐसा हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा साइड हम देखते हैं, आपको यहाँ पे पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों ये आपको कब करना है, अगर आप 50000 का ऊपर, 50000 यानी 50000 के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हो तब आपको इधर का कर देना है यानी फॉर्म 60। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांच का नाम फिर से लिख देना है आपको और वही डेट आपको यहाँ पे लिख देना है जिस दिन और जमा करने गया हो बैंक में पैसा। बाद में आपको जो अकाउंट नंबर है फिर से आपको यहाँ पे लिख देना है अच्छे से देख के। दोस्तों अकाउंट नंबर में गलती करोगे तो पैसा दूसरा जगह चला जाएगा। बाद में आपको नाम लिखना है खुद का यहाँ पे कैपिटल लेटर में अच्छे से, फ़ोन नंबर लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे सकते हो। बाद में दोस्तों आपका पैसा कितना है वो ऑर्स में लिखना पड़ेगा, जैसे कि 5000 तो आपका जितना कर रहे हो वही लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इस साइड में आ जाते हैं, थोड़ा सा कैश का जो विवरण है देना पड़ता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मानो कि अगर आप 5000 जमा करने गए हो तो उसमें 100 का नोट कितना है, 50 का नोट कितना है, 2000 का नोट कितना है या 500 का नोट कितना है आपको बैंक को बताना है सब अच्छे से। जैसे कि दोस्तों मैं 5000 जमा करने गया हूँ तो मेरे पास 2000 का नोट 2 है, तो 2000 का जगह पे इस साइड में जो नंबर है उसमें लिख दिया 2, यानी 2000 का नोट 2 है मेरे पास। उसके बाद 500 का नोट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो कितना हो गया 2000 का नोट यानी हो गया 4000 और 2 500 का नोट हो गया 1000, तो टोटल मेरा कितना 5000। और नीचे का जो ये ऑप्शन है 200 150 का ऑप्शन है, ये आपको ऐसा करके काट देना है ताकि कोई इसमें छेड़खानी ना कर पाए। तो मेरा टोटल पैसा कितना हो गया, और जो कॉइन का ऑप्शन है यानी सुट्टा पैसा वो भी आप काट दो ऐसा करके। हाँ दोस्तों तो टोटल कितना हो गया 4000 1000 5000 और पैसा 00 रुपीज़ 5000। दोस्तों आपको सावधानी से ऐसा करके फिलअप करना है। बाद में ये जो साइड है इसको भी क्रॉस नहीं करना, क्योंकि इसको आपको तभी भरना है अगर आप चेकबुक से डिपॉजिट करने गए हो तभी।
लेकिन हम तो कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। बाद में दोस्तों यहाँ पर भी आपको पैसा लिख देना है इतना करके और टोटल ऐसा करके, और इसको काट देना है यहाँ पर ताकि कोई कुछ और ना लगाना पाए। और यहाँ जो डिपॉजिट करने गए हैं, यानी आप गए हो डिपॉजिट करने, यहाँ आपका खुद का सिग्नेचर दे देना है। तो दोस्तों इसके साथ होता है इसका ये पर्ची फिलअप करना ख़त्म। दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी नया सीखने को मिला है, मदद पहुँचा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।